प्रियंका ने मुझे अभी तक फोन क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको लेटर मिला ही ना हो? मैं फोन करके देखती हूँ। पायल? हाँ पायल। अनिका, मैं कब से दक्ष को कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अनिका मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इट्स एज़ इफ उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। अनिका मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उसने प्रियंका से शादी कर ली मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँ। इसलिए पायल, इसलिए मैं कह रही थी कि प्रियंका को सब सच बता दो ताकि ये शादी टूट जाए। जैसी प्रियंका ये शादी तोड़ देगी, दक्ष मुंह उठा के तुम्हारे पास वापस चला आएगा। तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा सुनो, अगर तुम ओबेरॉय मैंशन चलने के लिए तैयार हो और प्रियंका को सब सच बताने के लिए तैयार हो तो मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? अगर ये बात बाहर आ गई कि तुम पायल के बच्चे की बाप बनने वाले हो तो पता है क्या होगा? तुम्हारी और प्रियंका की शादी ही नहीं, मेरी और शिपाही की शादी भी टूट जाएगी। तुम जानते हो ना ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? हम बैंकरप्ट है दक्ष, हमें ओबेरॉय का पैसा चाहिए, पर तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आई नो दी कि मुझसे गलती हुई है, पर ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कैसे संभालोगे दक्ष? वो अनिका ऑलरेडी हाथ धोक के तुम्हारे पीछे पड़ी है और अब तो उसे ये भी पता चल गया है कि तुम पायल के बच्चे के बाप बनने वाले हो। वो ये बात सबको बता देगी। और ये बात उसने कल रात को बताने की कोशिश की थी। What? वो इस घर में आई थी, यस, लेकिन शिवाय ने उसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और शिवाय ने मुझसे खुद प्रॉमिस किया है कि वो अनिका को प्रियंका के नजदीक भी नहीं आने देगा। मैंने शिवाय को अनिका के खिलाफ इतना भड़का है कि अब वो एक बात भी नहीं सुनेगा अनिका की। लेकिन प्रियंका जरूर सुनेगी। अगर अनिका प्रियंका तक पहुंच गई तो oh my God, दक्ष, वो लेटर। वो लेटर अनिका ने भेजा था। हेलो, क्या हो रहा है ये? हमें प्रियंका को रोकना होगा दक्ष। प्रियंका, मेहंदी खराब हो जाएगी। और तुमने मेहंदी पे लौंग का तेल लगाया? नहीं, अभी नहीं। नहीं लगाओगी तो मेहंदी का रंग गहरा कैसे होगा? अरे सुनिए, जरा इस पे लौंग का तेल लगा दीजिए। देख लिया, अनिका इतनी आसानी से हाथ नहीं मानने वाली। वो तुम्हारी शादी तुड़वाने की कोशिश तब तक करती रहेगी जब तक ये शादी हो नहीं जाती। अब मुझे प्रियंका के आसपास हर वक्त रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर अनिका और पायल मिल गए तो हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे दक्ष। अरे चाय ही पीते रहेंगे, शरबत भी बनाया, नाश्ता भी आ रहा है। लड़के वाले शादी की इतनी जल्दी कर रहे हैं कि तैयारी करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। शगुन आज है, वो कल रात को तय हुआ। अब जल्दी जल्दी में जो बन पड़ा वो कर रहे हैं। क्या आप तैयार क्यों नहीं हो अभी तक? और कहाँ जा रही? चलिए तैयार हो जाए। मैं आके, मुझे अभी कुछ काम है, प्लीज। अरे क्या काम है? बहुत जरूरी काम है, समझ? आपकी शगुन से भी ज्यादा जरूरी है कुछ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। लो मैडम, फिर चली मटर गश्ती करने? हाँ, तेरा घर पे ध्यान है कि नहीं? पैरों में शनिचर है तेरे, और ये तितली बनकर कहाँ उड़ रही है? आज तेरा शगुन है। चाची,
प्लीज मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊँ। काम शगुन के बाद नहीं हो सकता क्या? एक दिन बाद काम कर लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? तेरे ससुराल वाले तुझसे पहले पहुंच जाएंगे तो क्या जवाब दूंगी? चाची प्लीज। अरे रुक तो, ये देख तेरी बहन तो मेरी बात भी नहीं सुन रही है।